13 बार के चैंपियन रैंडी ऑर्टन WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और कई सालों में उन्होंने अपने प्रदर्शन से फैंस को कई यादगार मैच दिए हैं। रैंडी ऑर्टन WWE इतिहास के सबसे खतरनाक और लापरवाह रेसलरों की लिस्ट में भी आते हैं दोस्तों। रैंडी ऑर्टन नियम तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। हालांकि वह 13 बार WWE के चैंपियन रह चुके हैं, पर रैंडी ऑर्टन का RKO मूव पूरी दुनिया में फेमस है। यह मूव जितना ज्यादा प्रसिद्ध है उससे कई गुना तो ज्यादा खतरनाक भी है। रैंडी ऑर्टन के बारे में कहा जाता है कि उनका चार माप धीरे धीरे WWE में बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कंपनी में एक दशक से भी ज्यादा लंबा का समय दिया है। तो आइए जानते हैं वाइपर नाम से मशहूर रैंडी ऑर्टन के बारे में कुछ खास बातें जिन्हें सुन के आप हिल जाएंगे दोस्तों। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं वाइपर के बारे में कुछ खास बातें। रैंडी ऑर्टन ने सिर्फ रेसलिंग में ही अपना सिक्का नहीं जमाया है दोस्तों, बल्कि उन्होंने एक्टिंग में भी अपना सिक्का जमाया है। उन्होंने जॉन सिना की फिल्म मरीन में एक बहुत ही अहम रोल निभाया था जिसके लिए उन्हें काफ़ी वाहवाही भी मिली थी और कहा जाता है वह एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। कहा जाता है रैंडी ऑर्टन एक साथ दो दो टाइटलों में कब्जा करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उन्होंने एक ही रात में दो WWE टाइटल जीतने का कारनामा कर डाला था। यह काम उन्होंने साल 2007 में किया था। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि रैंडी ऑर्टन रेसलिंग फैमिली से आते हैं। उनके पिता और चाचा जी दोनों ही रेसलिंग में बहुत बड़े नाम थे। उनके पिता बॉब ऑर्टन और उनके चाचा बैरी ऑर्टन रेसलिंग की दुनिया में बहुत बड़े नाम थे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, और रैंडी ऑर्टन उसी खानदान से आते हैं। रैंडी ऑर्टन की रगों में रेसलिंग है। उनके पिता बॉब ऑर्टन जूनियर रेसलिंग की दुनिया में काउबॉय के नाम से प्रसिद्ध थे। WWE में दिए महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत रैंडी ऑर्टन के पिता को हॉल ऑफ फेम में शुमार कर लिया गया। क्या हो दोस्तों अगर रैंडी ऑर्टन एक रेफरी हो, सुनकर चौंक गए ना। पर दोस्तों रेसलिंग कैरियर की शुरुआत करने से पहले रैंडी ऑर्टन एक रेफरी थे। जी हाँ, कंपनी में रेफरी से ही वह ज्वाइन हुए थे और WWE में वह सबसे पहले रेफरी का काम किया करते थे। धीरे धीरे उनमें रेसलिंग टैलेंट को देखते हुए उन्हें रिंग के अंदर रेसलिंग करने का मौका दिया गया और उन्होंने वहाँ जो किया वह इतिहास गवाह है। कहा जाता है एक समय में वह थप्पड़ मारने के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है एक इवेंट के दौरान उन्होंने कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को ही थप्पड़ रसीद कर दिया था। हालांकि वह थप्पड़ स्क्रिप्टेड था, पर यह कारनामा बहुत ही हिम्मत वाला था। रैंडी ऑर्टन के फिनिशिंग मूव RKO के बारे में हर रेसलिंग फैन जानता है, पर दोस्तों क्या आपको पता है उनका फिनिशिंग मूव का नाम उनके सिग्नेचर से आया है। अपने नामों से पहले के अक्षरों को मिलाकर उन्होंने RKO बनाया। रैंडी ऑर्टन के बारे में एक बात और फेमस है कि वह अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और शायद इसी की वजह से उनकी बैक स्टेज में अक्सर दूसरे रेसलरों के साथ लड़ाई हो जाती है। रैंडी ऑर्टन को WWE में खराब व्यवहार की वजह से 3 बार सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई बार ड्रग्स लेने के आरोप भी उन पर लगे हैं। कहा जाता है साल 2014 में उनके फिनिशिंग मूव को वायरल कर दिया गया था। यहाँ तक कि हर कोई वीडियो में RKO डालकर फनी बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि एक वीडियो तो मैंने भी देखा जिसमें रैंडी ऑर्टन एक शार्क को RKO दे रहे हैं। कहा जाता है रैंडी ऑर्टन यूनाइटेड स्टेट मरीन में भी काम कर चुके हैं और वह सेना में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। रेसलिंग की दुनिया में खतरनाक माने जाने वाले रैंडी ऑर्टन इतने खतरनाक भी नहीं है दोस्तों। आखिर वह बाल बच्चेदार आदमी है और एक कंप्लीट फैमिली मैन है। कहा जाता है रैंडी ऑर्टन के 5 बच्चे हैं जिसमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। रैंडी ऑर्टन WWE के बड़े नामों में गिने जाते हैं और उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी के बावजूद भी लोग उन्हें काफ़ी पसंद किया करते हैं। आपकी रैंडी ऑर्टन के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपको आज का अंक कैसा लगा यह भी जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।